नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। हम चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC ने राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का 27 सितंबर मंगलवार को आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक कई विशेषज्ञों ने संकेत दिए हैं कि कोविड-19 के मामले में बढ़ोतरी का अंदेशा है और पटाखों को फोड़ कर बड़े पैमाने पर जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे, जिससे न केवल सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन होगा बल्कि वायु प्रदूषण का उच्च स्तर दिल्ली में गंभीर स्वास्थ्य मसलों का कारण बनेगा। आदेश में कहा गया है कि वायु प्रदूषण और श्वसन संक्रमण के बीच अहम संबंध को देखते हुए मौजूदा महामारी संकट की वजह से पटाखे फोड़ना लोगों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। DPCC ने आदेश में कहा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में 1 जनवरी 2022 तक सभी तरह के पटाखे फोड़ने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। DPCC ने जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों से कहा है कि वे निर्देशों का अमल कराएं और दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट जमा करें। हाल ही में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों से दिवाली के समय दिवाली प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि पिछले साल व्यापारियों द्वारा पटाखों के भंडारण के पश्चात प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए देर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, जिससे व्यापारियों का नुकसान हुआ था। सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण ना करें। तो दोस्तों, दिवाली पर प्रदूषण हमेशा होता है, पटाखे फोड़े जाते हैं, वायु प्रदूषण बनता है, श्वास लेने में परेशानी होती है और हम सभी दिल्लीवासियों को ये झेलना पड़ता है। तो आप बताएं, क्या आप पटाखे फोड़ेंगे? क्या पटाखे फोड़ने अपने रिश्तेदारों, मित्रों और भाइयों को मना करेंगे? आप अपने कमेंट्स अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।